हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रोफेसर अनिल कुमार एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट एंड लिनक्स। सो वी विल बी स्टार्टिंग योर यूनिट टू। यूनिट टू में हम सबसे पहले जो है डेडलॉक्स डिस्कस करेंगे, इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, देन इंट्रोडक्शन टू द मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स, मतलब डेडलॉक्स को कैसे हैंडल किया जाता है, और उनकी डिडक्शन एंड रिकवरी। सो इन दिस लेक्चर वी विल बी कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो क्योंकि अभी हमने अभी तक क्या स्टडी कर लिया है कि हम जो है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में काम करते हैं, यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा जो प्रोसेसेस होते हैं वो रैम में लोड होते हैं, और सीपीयू को हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और सीपीयू को हम फ्री नहीं छोड़ने की कोशिश करते हैं। और वो जो रैम में प्रोसेसेस पड़े होते हैं उनको क्या होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती रहती है। रिसोर्सेज में हमने क्या पढ़ा था, चाहे सीपीयू साइकिल आप गिन लो, चाहे मेमोरी स्पेस ले लो, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ले लो, तो उन्हें हम सभी को बोलते हैं हम रिसोर्सेज। तो हर रिसोर्स के जो हैं वो इंस्टेंसेस हो सकते हैं, इंस्टेंसेस मतलब उनकी मल्टीपल कॉपीज हो सकती है, तो उनको हमने यहाँ पे इंस्टेंसेस वर्ड यूज़ किया है। उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है उसको जब रिसोर्स को यूज़ करना होता है, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये रिसोर्स यूज़ करना है, फिर वो पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ कर लेता है और उसके बाद रिलीज़ कर लेता है। ये नॉर्मल है, जैसे हमने कोई भी चीज़ यूज़ करने देते हैं, हम पहले रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है, फिर हमें वो एलोकेट हो जाते हैं, हम उसको यूज़ कर लेते हैं, और लास्ट में जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो जो भी आपकी रिसोर्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, प्रीएम्प्टेबल। प्रीएम्प्टेबल मतलब जिनका जिनको आप रोक सकते हो, मान लो रिसोर्स आप किसी ने रिसोर्स लिया हुआ है, तो अगर आप उससे रिसोर्स छीनते हो तो उस टाइम उसके एग्जिस्टिंग काम पे कुछ ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको हम बोलते हैं प्रीएम्प्टेबल। मतलब आप रिसोर्स छीन सकते हो, आपको नुकसान कम से कम होगा। नॉन प्रीएम्प्टेबल का मतलब क्या है कि आपने अगर किसी को रिसोर्स दे दिया, अगर आपने उसे वो रिसोर्स वापस ले लिया, तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टेबल आप जैसे मान लो कि आपके प्रिंटर्स हैं, तो आपने प्रिंटर पे को कमांड दे रखी है 200 पेज को प्रिंट करने की, अगर आप बीच में से प्रिंटर उठा के किसी और को दे दोगे तो वो काम जो है वो आधा अधूरा रह जाएगा, उसमें आपका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो आपके यहाँ पे रिसोर्सेज होती हैं। अब आगे आता है डेडलॉक, ये जो हमारा मेन टॉपिक है। तो डेडलॉक क्या, एक सिचुएशन है जिसमें क्या होता है कि दो प्रोसेसेस जो रिसोर्सेज शेयरिंग द सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सेम सेट ऑफ रिसोर्स, ये ऑफ एक ऑफ आएगा, शेयरिंग द सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक ही सेट रिसोर्सेज के सेट को कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं, पर वो एक दूसरे को काम नहीं करने देते। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने छोटे बच्चों की लड़ाई देखी होगी कि जैसे ये एक ए नाम का बच्चा है, इसके पास कोई मान लो टीवी का रिमोट है, ठीक है, और अब ये बी नाम का बच्चा है, इसके पास कोई मान लो गेम का रिमोट है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि अभी टीवी के रिमोट से अगर आप ए वी चैनल लगाओगे तभी आपकी जैसे वो गेम स्टार्ट होगी, और आपको गेम का रिमोट, दोनों रिमोट चाहिए तभी आप काम कर सकते हो। कहने का मतलब सिंपल है, तो ये दोनों मान लो आपस में लड़ पड़ेगी। अभी ए कहता है कि मुझे गेम का रिमोट दो तो मैं टीवी का रिमोट से ए वी ऑन करूँगा, और बी बोलता है कि पहले तुम मुझे टीवी का रिमोट दो तब मैं तुम्हें गेम का रिमोट दूंगा। तो मतलब अब दोनों क्या है, दोनों को ये सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, दोनों को टीवी का रिमोट भी चाहिए और गेम का रिमोट भी चाहिए, तभी ये दोनों में से एक बंदा जो है वो गेम खेल पाएगा या अपना काम कर पाएगा। ठीक है, तो अब दोनों ने एक एक रिसोर्स लेके बैठ गया और एक दूसरे पर इन्होंने अपनी अपनी डिपेंडेंसी बना ली है, तो काम कोई भी नहीं कर रहे, दोनों से झगड़ रहे हैं, तो ये चीज़ होगी आपकी डेडलॉक। तो क्या है, शेयरिंग सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पे टीवी रिमोट और गेम रिपोर्ट दोनों सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज हो गए। प्रिवेंटिंग ईच अदर, एक दूसरे को काम करने नहीं दे रहे, प्रिवेंटिंग ईच अदर फ्रॉम असेसिंग द रिसोर्स, एक दूसरे का रिसोर्स यूज़ भी नहीं करने दे रहे, और उसके कारण क्या हो रहा है, दोनों ने कोई दोनों कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं डेडलॉक। तो डेडलॉक में ये कुछ कंडीशंस है, मतलब अब क्योंकि अभी हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में कुछ हमारी कंडीशंस अगर फुलफ़िल होंगी तभी हम बात बोल सकते हैं कि ये डेडलॉक एग्जिस्ट करता है। तो ये फोर कंडीशंस होती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्प्शन, सर्कुलर वेट। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एट ए टाइम को एक बंदा ही एक प्रोसेस ही उनको यूज़ कर सकता है, तब ये आपका डेडलॉक हो सकता है। मतलब अगर वो शेयरेबल है तो उसमें लड़ाई नहीं होगी, मान लो रीड ओनली कोई फाइल है तो उसको जितने मर्जी बंदे यूज़ करते रहे वहाँ पे कोई लड़ाई का चांस ही नहीं है। तो डेडलॉक के चांस कहाँ पे होंगे, जब जहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी, पहली कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन की होनी चाहिए। दूसरा होल्ड एंड वेट, मतलब हर प्रोसेस ने एटलीस्ट वन रिसोर्स उसने अपने पास रखा हुआ है और दूसरे की मांग कर रहा है, जैसे हमारे केस में मैंने टीवी का रिमोट रखा हुआ था और मैं दूसरा गेम का रिमोट मांग रहा हूँ, या अगर दूसरी साइड से सोचे तो उसने गेम का रिमोट अपने पास रखा हुआ है और वो टीवी का रिमोट मांग रहा है, तो इसे हम बोलते हैं होल्ड एंड वेट।
मैंने एक रिसोर्स पकड़ के रखा है, दूसरा मुझे चाहिए और मैंने छोड़ना है नहीं क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ठीक है। तीसरा नो प्रेम्पशन, वही कि मैंने छोड़ना नहीं है, मैंने एक रिसोर्स को पकड़ लिया, अब टीवी का रिमोट शेयर नहीं कर सकते आप, है ना। दूसरा नो प्रेम्पशन, मैंने अभी जब तक मेरा काम नहीं खत्म होगा मैं अपना जो रिसोर्स है वो दूंगा नहीं, तो उसे बोलते हैं नो प्रेम्पशन, ठीक है। मतलब मैं पहले गेम खेलना चाहता हूँ, जब तक मैं नहीं गेम खेल पाऊंगा मैं तुझे रिमोट नहीं दूंगा, तो अगर मैं रिमोट नहीं दूंगा तो ना वो दूसरा बंदा खेल पाएगा ना मैं खेल पाऊंगा गेम। तो नो प्रेम्पशन मतलब एक रिसोर्स तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक वो अपना काम कंप्लीट ना कर ले। चौथी कंडीशन आ गई सर्कुलर वेट, मतलब एक की डिपेंडेंसी दूसरे पे, दूसरे की तीसरे पे, तीसरे की चौथे पे, चौथे के फिर पहले पे। तो इसमें क्या होता है, ये सर्कल सा बनता रहता है, जैसे ये P1, ये P2, ये P3, ये P4। अभी हम थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में जाते हैं, तो P1 की डिपेंडेंसी P2 पे है, मतलब P1 को वो वाले रिसोर्स चाहिए जो P2 ने पकड़े हुए हैं, P2 को वो वाले रिसोर्स चाहिए जो P3 ने पकड़े हुए हैं, P3 को वो वाले रिसोर्स चाहिए जो P4 ने पकड़े हुए हैं, और P4 को वो वाले रिसोर्स चाहिए जो P1 को चाहिए पकड़े हुए हैं। तो ये आपस में सारा सर्कुलर सा बन गया, तो इसे हम बोलते हैं सर्कुलर वेट, सारे जो हैं एक दूसरे के ऊपर वेट कर रहे हैं। तो अगर किसी मतलब ये चारों कंडीशंस किसी पर्टिकुलर टाइम पे सारी की सारी फुलफिल होती हैं, सारी की सारी ट्रू होती हैं, तब डेडलॉक एग्जिस्ट होगा। अगर इन चारों में से एक भी कंडीशन को अगर आप तोड़ दोगे तो डेडलॉक हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब आगे आ जाता है हैंडलिंग, कि आप जो है डेडलॉक्स को कैसे हैंडल करते, तो इसके भी चार मेथड है, डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, रिकवरी एंड इग्नोरेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में क्या है कि आप बचते हो, मतलब आप चाहते हो कि आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक में जाए ही ना, ठीक है, डज नॉट गो इनटू डेडलॉक स्टेट, मतलब आपका डेडलॉक स्टेट जो है वो कभी आए ही ना। उसके लिए आप क्या करते हो, जो आपकी चारों कंडीशंस है, चारों में से किसी एक को आप बोलते हो कि हो ना, क्योंकि मैंने पहले बात की कि अगर चारों में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो आपका डेडलॉक जो है वो टूट जाता है। तो आप क्या कोशिश करते हो कि चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन जो है वो कंप्लीट ना हो। दूसरा आता है डेडलॉक अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब क्या है, आप प्रायोरी इन्फॉर्मेशन लेके रखते हो। प्रायोरी इन्फॉर्मेशन मतलब मुझे पता होता है कि इस बंदे को इतना इतना मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए, अभी ये इतने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, इसको आगे इतने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब भी वो बंदा रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने से पहले मैं चेक करूँगा कि अगर मैं ये रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इसको रिसोर्सेज दे देता हूँ तो क्या हमारा सिस्टम डेडलॉक में तो नहीं चला जाएगा। अगर वो चला जाएगा तो हम उसको जो है वो रिक्वेस्ट नहीं देंगे, अगर वो नहीं जाएगा तो उसको दे देंगे, ठीक है। अवॉइडेंस मतलब हम अवॉइड कर रहे हैं कि ना हो। उसके केस में क्या है, आपको प्रायोरी इन्फॉर्मेशन, पहले से इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरी डिटेल में, ठीक है। रिकवरी, डेडलॉक हो गया, अब आपको उस डेडलॉक से बाहर निकलना है, दैट इज़ रिकवरी, ठीक है। तो हमारे पास इसमें एल्गोरिथम होता है जो बार बार चेक करते रहते हैं कि हमारा सिस्टम जो डेडलॉक में चला तो नहीं गया, जब चला गया तब उसको हमें डेडलॉक से बाहर निकालना होता है। इग्नोरेंस, हम मान के नहीं चलते कि डेडलॉक हुआ या नहीं हुआ, हम टोटली उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। हमारी तरफ से डेडलॉक हो या ना हो, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे तरफ मतलब डेडलॉक बहुत कम होता है, तो हम क्या करते हैं डेडलॉक हैंडलिंग के ये तीनों मेथड में से कोई मेथड फॉलो ही नहीं करते। तो उस केस में हमारा मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो डेडलॉक मैनेजमेंट के लिए जो भी हमें जो CPU टाइम की ज़रूरत पड़ती है या मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें हमारी बच जाती हैं, ठीक है। तो डेडलॉक इग्नोरेंस जो है वो यूनिक्स यूज़ करती है, ठीक है। अब बाकी जो तीन है ये हम स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेडलॉक प्रिवेंशन की, मतलब आपने यहाँ पे क्या है, डेडलॉक को होने से बचाना है, पहले बचा लिया। तो उसके लिए हमने क्या बोला कि चारों कंडीशन में से एक कंडीशन को हमने नहीं होने देना। तो सबसे पहले जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, तो हम क्या बोलते हैं कि रिसोर्सेज को शेयरेबल बना दो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या था कि एट ए टाइम एक ही बंदा उसको यूज़ कर सकता है, एक से ज़्यादा बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता, एक से ज़्यादा प्रोसेसर उस रिसोर्स को नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर आपने उसको शेयरेबल बना दिया तो एट ए टाइम जितने मर्जी प्रोसेसर उसको जो है वो यूज़ करते रहें, तो उस केस में आपका डेडलॉक जो है वो बच जाएगा। पर अब ये क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ को शेयरेबल नहीं बना सकते। जैसे प्रिंटर है, एट ए टाइम अगर वो एक जॉब चला रहा है तो जब तक उसकी वो जॉब कंप्लीट नहीं होगी आप दूसरे को उसको शेयर नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इट मींस यूज़र्स तो चलो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं प्रोसेसर्स वर्ड यूज़ करता हूँ। जो प्रोसेस है वो आपके प्रिंटर एट ए टाइम एक ही प्रोसेस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर जो है वो प्रिंटर को शेयर नहीं कर सकते, मतलब सेम टाइम पे उस प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर तो आपकी रीड ओनली फाइल्स है उस केस में तो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन चल जाएगा, पर बाकी केसेस में हो सकता ना चले। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। सेकंड होती है होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट में हमने क्या स्टडी किया है कि आपका जो प्रोसेस है वो एक रिसोर्स को अपने पास पकड़ के रखता है और दूसरे रिसोर्स की वो मांग करता है। एक तो रिसोर्स उसने पकड़ लिया, दूसरे को वो चाहता है कि अब मुझे ये चीज़ चाहिए। तो
इसका मतलब क्या है कि हम क्या हम ये कंडीशन लगाते हैं कि जब भी वो नया रिसोर्स मांगेगा, ठीक है, तो उस समय हमने ये देखना है कि उसके पास पहले से कोई और रिसोर्सेज पड़े ना हो। इस केस में हमने क्या कंडीशन तोड़ दी कि अगर उसने नया रिसोर्स मांगना है तो उसकी कंडीशन क्या है कि उसके पास अभी एग्जिस्टिंग रिसोर्स नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स आपने होल्ड एंड वेट को तोड़ ही दिया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि जब भी इससे क्या होगा कि वो तभी रिक्वेस्ट करेगा, वो सारे के सारे जो रिसोर्स जितने भी उसको चाहिए वो सारे के सारे एक ही बार में मांग लेगा। अगर एक ही बार में उसको सारे के सारे मिल गए तो वो अपना काम करना शुरू कर देगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स द प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड टू बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज, सारे के सारे रिसोर्सेज वो मांग लेगा पहले, अगर वो सारे मिल गए तो वो काम कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दूसरा क्या हो सकता है इसमें केस हो सकता है कि अगर दूसरा केस तो हमने पहले पढ़ लिया कि अगर वो दूसरा अपना नया रिसोर्स मांगता है तो मांगना है तो मांग ले। एक तो आपने पहले लगा दिया कि अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है तभी आप मांग सकते हो, या आप उल्टा कर दो, अगर आपने रिसोर्स मांगा है और आपके पास पुराने आपने कोई रिसोर्स होल्ड करके रखे हैं तो उसको छोड़ दो, तब आपको नया प्रोसेस मिलेगा, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं होल्ड एंड वेट की कंडीशन को कैसे तोड़ना है। अब उसके बाद आता है नो प्रीम्प्शन। नो प्रीम्प्शन में का क्या मतलब है कि हम एक एक प्रोसेस का हमने क्या बात किया कि जब तक वो अपना काम नहीं कंप्लीट करेगा तब तक उसको दूसरा प्रोसेस हम नहीं देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब भी प्रोसेस जिसने कोई भी एक प्रोसेस जिसने कोई एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, अगर वो किसी और रिसोर्स के बारे में रिक्वेस्ट मांगता है तो उसे वो जो अलॉटमेंट है उस रिसोर्स की वो इमिडिएटली नहीं होगी, मतलब उसी टाइम नहीं उसको हम एलोकेट कर देंगे। मान लीजिए ए ने कोई रिसोर्स मांगा, ठीक है, R1 मांगा, तो R1 उसी समय उसको नहीं देना है, ठीक है। उसके लिए पहले क्या करना है, उसको बोलना देन ऑल द रिसोर्सेज करंटली बीइंग हेल्ड आर लिस्ट, पहले उसने जो रिसोर्सेज पकड़े हुए हैं उसको छोड़ दे, फिर उसको ये नया वाला मिल जाएगा। ये ऑलमोस्ट पहले वाली की बात होगी। दूसरा क्या है, प्रीम्प्टेड रिसोर्सेज आर एडेड। अब जो रिसोर्सेज उसे छुड़वा लिए, मतलब यहाँ पे क्या हमने ज़बरदस्ती उसे छुड़वा लिए हैं, तो ये प्रीम्प्शन हो गया। यहाँ पे क्या था, हमने क्या कंडीशन पहले लगा दी थी कि आप दूसरा रिसोर्स तभी मांग सकते हो जब आपके पास पहले कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। और नो प्रीम्प्शन में क्या है कि जब आपने नया रिसोर्स मांगा है तो उसको पहले वाले छोड़ने पड़ेंगे, इट मीन्स हमने उसे प्रीम्प्ट करवा लिए, रिसोर्सेज उससे छुड़वा लिए, तो उनको हमने क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज में ऐड कर देना है, ठीक है। मतलब एक जो जो भी आपके पास रिसोर्सेज है वहाँ पे प्रीम्प्टेड जो भी छीने गए रिसोर्सेज हैं उनको सभी वहाँ पे रख देना है, और जब भी आपका प्रोसेस दोबारा रिस्टार्ट होगा तो वो अपने पुराने रिसोर्सेज भी ले लेगा और नए रिसोर्सेज भी ले लेगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। तो अगर आप प्रीम्प्शन करवा देते हो तब भी आपका डेडलॉक जो है वो बच जाता है। चौथा हो गया आपका सर्कुलर वेट। इसमें क्या है कि आप ऑर्डर कर देते हो, ऑर्डरिंग मतलब आपने ये रिक्वेस्ट 1 बना दी, ऐसे रिक्वेस्ट रिसोर्स 2 बना दिया, रिसोर्स 3, रिसोर्स 4, मतलब उसकी नंबरिंग कर दी, या आप बोल दो आप प्रोसेस की नंबरिंग कर लो, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। तो अब P1 जो है वो P2 से रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, आपने ऑर्डर में बोल दिया कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हो, मतलब P1 P2 को रिक्वेस्ट डाल सकता है, P2 जो है P3 को रिक्वेस्ट डाल सकता है, P3 P4 को, पर P4 जो है वो P1 को किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर टूट गया। अब 4 जो है वो 1 से ग्रेटर देन है तो ये नहीं भेज पाएगा, तो इट मीन्स आपका सर्कुलर जो हमने बोला था सर्कुलर वेट है जो वो टूट जाएगी, तो इससे भी आपका डेडलॉक जो है वो बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेडलॉक अवॉइडेंस। इसमें हमने क्या बात की थी, हमें चाहिए प्रायोरी इन्फॉर्मेशन, पहले से हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसके बेस पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये रिक्वेस्ट हम इसको फुलफ़िल करवाते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो डेडलॉक में चला तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर तो वो नहीं जाएगा तब हम उसको रिसोर्स दे देंगे, अगर हमें 1% चांस लगता है कि इससे डेडलॉक हो सकता है तो हम उसको वो रिसोर्स नहीं देंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज पता होने चाहिए कि टोटल हमारे पास कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हम डायनेमिकली इसको बार बार चेक करते रहते हैं कि आपका सर्कुलर वेट कंडीशन ना आ जाए, और उसके बाद हम स्टेट इसमें देखते हैं, स्टेट हम चेक करते हैं। स्टेट जो है इसमें दो तरह की होती है, सेफ या अनसेफ। जो सेफ है उसका मतलब है कि आपका डेडलॉक नहीं होगा, अनसेफ में आपके डेडलॉक होने के चांसेस होते हैं। तो स्टेट का मतलब क्या है, एट ए टाइम आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, आपको रिसोर्सेज मिले कितने हैं, और हमारे सिस्टम में मैक्सिमम कितने प्रोसेसेस हैं, मैक्सिमम डिमांड कितनी हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब मेरे पास अभी 10 रिसोर्सेज हैं, 4 मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे को एलोकेटेड हो गए, ठीक है। 10 आपके पास मैक्सिमम हो गए, 10 में से मान लीजिए 8 किसी और ने यूज़ कर रखे थे तो 2 अवेलेबल हो गए। अब ये अलग अलग डेफिनेशन होगी, ये मैक्सिमम आपके पास 10
डिवाइसेस हो सकती हैं, उसमें से 8 किसी ने यूज़ कर रखी होंगी। जैसा कि जी यहाँ पे टोटल 10 होगी, 4 स्क्वायर गेट होगी, 4 स्क्वायर गेट होगी, तो बची कितनी, 2। ठीक है, तो ये एलोकेट हो गई और ये आपकी हो गई अवेलेबल, अभी आपके पास इतनी अवेलेबल है, ये भी एलोकेट है किसी और को। ठीक है, तो ये इसके बेसिस पे हम स्टेट को जो डिफाइन करते हैं वो आगे हम देख लेंगे। तो हमने क्या देखना है कि जब भी आपने रिक्वेस्ट जनरेट की तो हम देखेंगे कि इमीडिएट हम चेक करेंगे कि आपका जो सिस्टम है, अगर इसको एलोकेट कर देते हैं ये वाली वैल्यू, तो क्या हमारा सिस्टम जो सेफ स्टेट में रहेगा। अगर वो सेफ स्टेट में रहेगा तब उसको हम जो है उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देंगे, अदरवाइज नहीं। तो सेफ स्टेट का मतलब क्या है कि आपकी सेफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस ऑल प्रोसेस हो गया, यानी मतलब कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल पड़े हैं, तो आपके पास प्रोसेसेस जो है वो P1 P2 P3 आपके पास अलग अलग प्रोसेसेस हैं, तो आप सभी को कुछ इस ढंग से एग्जीक्यूट कर लो कि सभी के सभी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए और डेडलॉक अकर ना हो, तो उसे हम बोल देंगे सेफ स्टेट। तो अगर बाई चांस ये जो एग्जीक्यूशन है वो किसी भी ऑर्डर में आप नहीं कर पा रहे हो, तो इट मीन्स आपकी जो है आपका जो सिस्टम है वो अनसेफ स्टेट में है। तो अनसेफ स्टेट में है तो इट मीन्स आपका डेडलॉक जो वो हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सीधा हिसाब होता है कि अगर आपका सिस्टम जो सेफ स्टेट में है तो आपका डेडलॉक कभी नहीं हो सकता, अगर अनसेफ स्टेट में है तो पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक हो सकता है। अनसेफ का मतलब ये नहीं है गारंटी है कि आपका डेडलॉक हो जाएगा, इसमें क्या है कि आपके चांसेस हैं। ठीक है, तो अवॉइडेंस हम किस तरह करते हैं, हम कभी भी अनसेफ स्टेट में नहीं जाते। जैसे यहाँ पे देखिए ये इसने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया कि अगर आप अनसेफ स्टेट में हैं तो डेडलॉक क्या है, इसका सबसेट है, यानी कि अनसेफ स्टेट अगर आप हो तो आपके चांसेस है कि आपका डेडलॉक हो सकता है, पर अगर आप सेफ स्टेट में तो आपका डेडलॉक कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल से एग्जांपल दे रखी है, यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ टेप ड्राइव्स है हमारे पास 12। ठीक है, P1 को जो मैक्सिमम ज़रूरत है वो 10 टेप्स की पड़ सकती है, P2 को मैक्सिमम 4 टेप्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और P3 को मैक्सिमम 9 टेप्स की ज़रूरत पड़ सकती है अपना काम ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अभी P1 को हमने पहले ही जो है वो 5 टेप्स दे दी हैं, P2 को हमने 2 देनी है, और P3 को भी हमने 2 टेप्स दे दी हैं, तो टोटल इसका बन गया 9 टेप्स। तो इट मीन्स हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 3। तो ये होगी अवेलेबल, ठीक है, ये एलोकेटेड हो गई, और ये वाला तो आपका मैक्सिमम नीड होगी कि आपके पास मैक्सिमम आपकी ज़रूरत कितनी है। ठीक है, ये होगी एलोकेशन। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मान लीजिए इसका जो सीक्वेंस है वो ये वाला सीक्वेंस है, P1 और P3 मान लीजिए ये सीक्वेंस है। तो हमारे पास 3 अवेलेबल हैं, P2 हमने पहले चलाना है, तो P2 को टोटल चाहिए 4, 2 इसके मिली हुई हैं, तो इट मीन्स इसको 2 और चाहिए, तो हमारे पास इसके 4 मिल जाएंगी, और 3 में से 2 माइनस अगर कर दोगे तो 1 हमारे पास होगी अवेलेबल, मतलब 3 में से 2 इसको दे दी, तो यहाँ पे 1 बच गई और इसके पास टोटल 4 चली गई। अब इसका काम जब ख़त्म हो गया, जब इसका काम ख़त्म हो गया तो तब हमारे पास कितनी आ गई टोटल अवेलेबल में, आ गई 5। ठीक है, तो अभी हमें चलाना है P1 को, तो P1 के करंटली उसके पास 5 है, और उसको और कितनी चाहिए, 5 चाहिए, 10 में से 5 निकालोगे तो 5 ही चाहिए, और 5 हमारे पास है, तो इसको भी हमने ये 5 की 5 पूरी की पूरी दे दी, और जब इसका काम ख़त्म हो गया तो हमारे पास दोबारा टोटल कितनी अवेलेबिलिटी आ जाएगी, 10 की, और 10 अब इसको कितनी चाहिए टोटल, 9 मैक्सिमम इसकी ज़रूरत है, 2 इसको मिल गई, यानी कि इसको 7 चाहिए, तो 10 में से 7 आप आराम से दे सकते हो, तो आपका P3 भी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब दूसरा केस देखो, ये तो हो गया सिंपल केस, इसमें क्या है, ये अब सेफ स्टेट है तो इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर अभी मान लो आप, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ इसका, अभी मान लो कि यहाँ पे जो है इसने 3 दे दी हैं, यहाँ पे इसने 3 टेप्स इसको दे दी हैं P3 को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 दे दी तो इट मीन्स हमारे पास अवेलेबल कितनी हो गई, 12 में से आप कितने माइनस करोगे, 5 + 2 7, 7 + 3 10, तो आपके पास कितनी बची, सिर्फ 2 बची। ठीक है, आपके पास कितनी बच गई, अब सिर्फ 2 बच गई हैं, तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करना जो है वो शुरू करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है P2 को मान लेते हैं कि आपका सीक्वेंस में सबसे पहले P2 को मिलेगा, तो P2 को टोटल 4 की ज़रूरत है, 2 इसको मिल चुकी हैं, तो इसको 2 की और ज़रूरत है, और 2 ही हमारे पास अवेलेबल है, तो 2 इसको दे दो, प्लस 2 कर दो, ये 4 हो गया। अब 4 ख़त्म हो गया, तो अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी आ गई, 4 की आ गई। ठीक है, अब आपका अगला सीक्वेंस में क्या था, P1,
अब पी वन को कितनी चाहिए, 10 माइनस 5, तो हमारे पास 5 चाहिए। अब हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 4, तो ये फुलफ़िल नहीं होगी। अगर आप आगे भी चले जाओगे पी थ्री को भी आगे पीछे कर लेते हो, तो पी थ्री को कितनी चाहिए, 9 माइनस 3, टोटल 6, तो 6 भी यहाँ से फुलफ़िल नहीं हो सकती, तो ये भी हम दे नहीं सकते। तो इट मीन्स ये क्या होगी आपकी अनसेफ स्टेट, जो हमने नेक्स्ट ये वाली अभी डिस्कस की, ये होगी आपकी अनसेफ स्टेट, और जो पहले वाली डिस्कस की थी ये थी आपकी सेफ स्टेट। ठीक, तो इस तरह जो है आप पहले इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप सेफ़ या अनसेफ स्टेट को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, अब ये अवॉइडेंस के तरीके हैं। अवॉइडेंस में सबसे पहले आप सेफ एंड सेफ स्टेट को यूज़ कर सकते हो, दूसरा आप कर सकते हो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को यूज़ कर सकते हो, ये अवॉइडेंस के अंडर ही आता है। तो इसमें क्या है, आपके एजेस बने होते हैं, आप एक पी वन से अगर आर जे की तरफ कोई एज जा रहा है तो उसे हम क्लेम एज बोलते हैं। क्लेम एज जो होता है ये वाला होता है, डॉटेड होता है। ठीक है, तो जब इसको आर टू मिल जाएगा तो यही वाला जो क्लेम एज है वो सॉलिड लाइन से आपको बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं आपका क्लेम एज, सॉरी ये हो गया आपका, ये आ गया क्लेम एज और ये हो गया एलोकेटेड एज हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, पीजे जो है वो आरजे को कभी ना कभी रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकता है। ठीक है, अब क्लेम एज को क्या हम कन्वर्ट करते हैं, रिक्वेस्ट एज में भी कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट एज क्या है, ये वाला जो मैंने ये वाला बोला था, ये रिक्वेस्ट एज है कि अगर आप डॉटेड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आपका क्या होगा, रिक्वेस्ट एज हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन ए रिसोर्स इज लीज्ड बाय प्रोसेस द असाइनमेंट एज टू कन्वर्ट, जो आपका असाइनमेंट एज होता है, मतलब जब इसको ये रिसोर्स मिल गया, ठीक है, तो ये एरो उल्टा हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, और जब इसको ये एरो मिल गया तो उसे हम बोल देते हैं असाइनमेंट एज, और जब इसका काम ख़त्म हो गया तो ये दोबारा जो है वो क्लेम एज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसको दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने देखना क्या होता है, सिंपल सा हमने ये साइकिल देखना होता है, जैसे यहाँ पे एरो लग गया, ये भी एरो लग गया, पी टू आर टू को भी मांग रहा है और पी टू आर वन को भी मांग रहा है। तो अगर मान लीजिए इसको हम ये कन्वर्ट कर देते हैं, इसको असाइन कर देते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे असाइन कर देते, अब यहाँ पे क्या बन गया, ये साइकिल कि पी टू को आर वन चाहिए, पर आर वन किसको मिला हुआ है, पी वन को, और पी वन को आर टू की ये मांग करेगा इन फ्यूचर, और आर टू किसको मिला हुआ है, पी टू को, तो यहाँ पे बन गया साइकिल। तो अगर साइकिल बन जाए तो इसे हम बोल देते हैं अनसेफ स्टेट, और अगर साइकिल ना बने तो हम उसे बोल देते हैं सेफ स्टेट। तो आप ग्राफ की हेल्प से भी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो डेडलॉक है वो अकर हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, आप अवॉइड कर रहे हो यहाँ पे। अब अवॉइडिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपका यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिथम होता है, और जो अभी हमने जो पीछे स्टडी की है ये वाला रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ये तब आपका काम आता है जब आपके पास सिंगल इंस्टेंस है। सिंगल इंस्टेंस मतलब आपके पास रिसोर्स की एक ही कॉपी थी, ठीक है, तब आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ चलेगा। अगर आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ हैं, आपके पास मल्टीपल इंस्टेंसेज हैं, तब आपका बैंकर्स एल्गोरिथम का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जो है बैंकर एल्गोरिथम जो है वो एक ही सिर्फ एल्गोरिथम के, मतलब एक ही इसका बेस है कि जैसे बैंक में आप जब कभी भी पैसे लेने जाओ तो उन्होंने पैसे की लिमिट लगा रखी होती है कि आपको इतने मैक्सिमम पैसे जो वो कैश में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज आपको पहले से डिमांड देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब क्या है, वो कैश को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जिसको जो उनके आगे आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाए, ऐसा ना हो कि आप एक ही बंदे को सारा कैश दे दो और उसके बाद जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको कैश ना मिले। तो इसलिए इसका नाम जो है बैंकर्स एल्गोरिथम रखा हुआ है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम को समझने से पहले हमें कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि हम जो है मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, एरेस का यूज़ करेंगे। तो हम अवेलेबिलिटी को यूज़ करते हैं, मतलब हमारे पास करंटली कितने अवेलेबल हैं। ठीक है, आर जे अभी ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, मैं इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा, सिंपल हम बात करते हैं अवेलेबल, अभी आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम कितने आपके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब उस रिसोर्स की मैक्सिमम कॉपीज़ कितनी अवेलेबल हैं। ठीक है, मैक्सिमम हमारे पास टोटल मान लीजिए यहाँ पे 10 हैं, 10 में से 4 अभी कोई यूज़ बंदा कर रहा है, तो अवेलेबल आ गया 6, पर टोटल आपके पास कितने हैं, 10। तो 10 जो है वो मैक्सिमम हो गया, और अवेलेबल अभी करंटली यूज़ करने के लिए कितने बने हुए हैं, एलोकेशन कितना उसको मिल चुका है। तो ये जैसे 4 है, ये एलोकेशन में आ गया, ये आपका मैक्सिमम में आ गया, ये अवेलेबल में आ गया। अब जिस बंदे को ज़रूरत है उसको ज़रूरत है 8 की, तो 8 माइनस 4, 4 की अभी उसको और ज़रूरत है, तो वो हो गया नीड। ठीक है, तो एलोकेशन अभी उसको फ़िलहाल कितने एलोकेट हुए हैं और नीड उसको और कितनों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो नीड आप कैसे निकालते हो, मैक्स माइनस एलोकेशन, तो मैक्स यहाँ पे है, ये 8 माइनस 4, तो आपका आ जाएगा नीड।
ठीक है। तो अभी इसकी एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से समझ आ जाएगा। पहले जो है हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। तो एल्गोरिथम में देखिए क्या है, इसमें दो एल्गोरिथम यूज़ होते हैं, सेफ्टी एल्गोरिथम और एक आपके रिक्वेस्ट रिसोर्स एल्गोरिथम, दो एल्गोरिथम इसमें यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमने वो वाले प्रोसेसेस देखने हैं जो भी फिनिश नहीं हुए हैं, और जो लूप है वो हम एन तक, मतलब अगर हमारे पास एन प्रोसेसेस हैं तो हम एन तक इसकी लूप जो है वो चलाते रहेंगे, ठीक है। तो हमें हमने सबसे पहले क्या नीड देखनी है, अभी करंटली आपको कितने प्रोसेसेस, कितने रिसोर्सेस की ज़रूरत है, तो वो आप कैसे निकालोगे, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, मतलब जितने आपको मिल चुके हैं और जितने अवेलेबल हैं टोट सॉरी कितने मैक्सिमम अवेलेबल हैं उनमें से आप माइनस करोगे तो आपकी निकल जाएगी नीड, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप फिर से ऐसा प्रोसेस ढूंढोगे जो अभी ख़त्म नहीं हुआ और जिसकी नीड जो वो अवेलेबिलिटी से कम है। अवेलेबिलिटी मतलब मेरे पास अगर 8 अवेलेबल है और इसकी जो नीड है वो 4 की है, तो मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ। तो जब तक ये नीड जो है अवेलेबिलिटी से लेस देन इक्वल टू, तब तक आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज़ तो क्या है आपको एग्जिट ही करना पड़ जाएगा, मतलब बाहर चले जाओगे, क्योंकि या तो आपका प्रोसेस ख़त्म हो चुका होगा या आपके पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं, तो दोनों केसेस में आपका जो है वो अनसेफ स्टेट में है आपका जो सिस्टम है, ठीक है। तो अगर बाई चांस आपको ऐसा मिल जाता है प्रोसेस जो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ और उसकी अवेलेबिलिटी भी जो है नीड जो है वो अवेलेबिलिटी से कम है, तो आप क्या करोगे, अवेलेबिलिटी में आपने क्या ऐड कर दिया, एलोकेशन ऐड कर दी, मतलब उसको कितना और आपने एलोकेट करना है, मतलब आपने उसको एक्चुअल में एलोकेशन कर दी है। यहाँ पे मेन ये ना लिखने का इनका ढंग थोड़ा सा अलग सा है, यहाँ पे मेनली क्या है कि आपने एलोकेट कर दिया है, ठीक है, मतलब जितना उसको चाहिए था एलोकेशन वो आपने इसको दे दी है, मतलब उसकी पूरी नीड फुल कर दी, मतलब उसको ख़त्म कर दिया। अब उसकी ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 4 लेस देन ये है, तो अभी उसने मान लीजिए यहाँ पे एलोकेट उसको टोटल इस बंदे को 6 चाहिए थे, 4 उसको मिल चुके हैं, हमारे पास 8 अभी अवेलेबल हैं, तो 4 4 < 8 हो गया, ठीक है। तो अभी इसको टोटल इसको 6 इसको मिल चुके हैं, यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रोसेस की नीड है वो 6 है, इसको जो एलोकेट हो रखे हैं वो 4 हो चुके हैं, और हमारे पास जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है वो है 8 की, ठीक है। तो इसकी नीड थी 6 की, एलोकेट 4 हो चुके हैं, तो इसको मिलने कितने चाहिए, नीड कैसे निकालेंगे, 2। अब 2 जो है लेस देन आपका 8 हो गया, तो अब 2 इसको आप दे दोगे एलोकेशन में, आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है अवेलेबिलिटी प्लस एलोकेशन। तो उसके बाद जब आपका ये काम खत्म हो गया, तो आपकी नीड कोई नहीं रहेगी, आपका काम खत्म हो गया, इसलिए आपकी फिनिश इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, आप 3 स्टेप पे चले जाओगे, ये बार बार करते रहोगे जब तक आपकी ये वाली कंडीशन जो वो फेल नहीं हो जाती। जब ये फेल होगी तभी आप फिफ्थ स्टेप पे जाओगे। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में क्या है कि हम सिर्फ रिक्वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं पहले, और कुछ नहीं होता, मतलब नीड कैलकुलेट करने से पहले भी हम रिक्वेस्ट चेक कर लेते हैं कि मान लीजिए उसकी ज़रूरत है 5 की और वो रिक्वेस्ट ही कर रहा है 6 की, रिक्वेस्ट ही उसने ज़्यादा भेज दी, तो उस केस में भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो लेस देन नीड है, तो आप चेक करोगे क्या रिक्वेस्ट अवेलेबिलिटी से भी नीड है, अगर ठीक है तो अवेलेबिलिटी में से आपने रिक्वेस्ट को माइनस कर दिया। मान लीजिए अभी हमारे पास 6 अवेलेबल हैं, 2 हमने किसी और को देने हैं, तो 2 यहाँ से माइनस कर लोगे, 4 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आगे एग्जाम्पल आगे उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो भी रही है तो। मेनली सिर्फ ये देखिए, उसके बाद क्या है कि अवेलेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, एलोकेशन आपकी बढ़ जाएगी, एलोकेशन कितनी बढ़ेगी, जितनी आपकी रिक्वेस्ट चाहिए, और आपकी नीड कितनी रह जाएगी, जितनी आपको रिक्वेस्ट आपने की थी, अगर आपको उतना सामान मिल गया तो आप नीड में से उतनी चीज़ माइनस कर दोगे। अब नीड क्या है, आपको मान लीजिए टोटल 4 की, अभी आप पहले कह रहे हो मेरे को 2 मिल जाएँ, मैं अपना काम कर लूँ थोड़ा सा, तो आपकी 2 की नीड तो अभी भी बची हुई है ना, तो इसलिए इसने दोबारा नीड को भी कैलकुलेट किया। तो ये है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, मतलब दोनों को यूज़ करके हम वहाँ पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आपका रिक्वेस्ट रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम चलेगा, उसके बाद आप सेफ्टी पार्ट को यूज़ करोगे, अगर रिजल्टिंग स्टेट आपकी सेफ आती है तो जो 3 हमने पहले दिया था, या ट्रांजेक्शन शोन इन स्टेप 3 शुड बी कम्प्लीटेड, वहाँ पे जो 3 थी वो कम्प्लीट हो जाएगी, अदरवाइज आपकी जो थर्ड वाली जो स्टेप है ये वापस रोल बैक चली जाएगी, पीछे को चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे सीधा समझिए, अभी यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम मुझे इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पे क्या अभी रिसोर्सेज हैं P1, P0, P1, P2, P3, P4, ये आपके पास 5 प्रोसेसेज हैं, और रिसोर्सेज आपके पास क्या हैं, ए, ठीक है, ए यहाँ पे, ये ए, ये बी,
और ये सी, इसकी मैक्सिमम कॉपी हमारे पास पड़ी हुई है, इसकी 4 कॉपी हैं, इसकी 9 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, ठीक है। मतलब कॉपीज़ का इन द सेंस, यहाँ पे P0 को A की मैक्सिमम 4 कॉपी की ज़रूरत पड़ सकती है, P1 को A की मैक्सिमम 9 कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, P2 को A की मैक्सिमम 3 की कॉपीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, इस तरह। C को इसी तरह P0 को C जो है मैक्सिमम वो 3 कॉपीज़ यूज़ कर सकता है, 2 कॉपीज़ यूज़ कर सकता है, और P4 जैसे यहाँ पे 3 कॉपीज़ यूज़ कर सकता है। तो मतलब हर प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स कितनी कॉपीज़ में चाहिए, तो वो मैक्सिमम जो है वो बता देता है। अब उसके बाद आता है कि एलोकेशन, मतलब इसको भी मिल कितने रखे हैं, कितने दे दिए हमने। तो 1 दे दिया इसकी कॉपी, 0 दे दी इसकी 1 दे दी, यहाँ पे 1 कॉपी दे दी, 0 सी की 2 कॉपीज़ दे दी। तो अभी हमारे पास क्या बचा, नीड। अब इसको और, ये तो मिल गया, अब इसको और कितने की ज़रूरत है, तो वो यहाँ से माइनस करोगे। जैसे 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 1 गया 2। तो इस वाली वैल्यू से हमने क्या किया, सिर्फ इसको माइनस कर दिया। जैसे 4 में से यहाँ से डायरेक्टली 1 माइनस कर दिया था, 2 में से 0 माइनस कर दिया था, और 3 में से 1 माइनस कर दिया था। तो अभी ये नीड इसकी इतनी बची है, मतलब A 3 चाहिए इसको, B के 2 चाहिए, C के 2 चाहिए, अगर इसने अपना काम पूरा का पूरा ख़त्म करना है। अब P1 में क्या है, इसको 8 0 0, क्योंकि C का देखिए 2 था, 2 मिल चुका है, तो काम ख़त्म हो गया। P2 का 1 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, और यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। P3 में भी आपको 1 2 और 1, मतलब ये इतनी इसकी अभी और ज़रूरत पड़ी हुई है, यहाँ पे ये हो गया 6 4 और 1, ये इसकी अभी ज़रूरत हमने निकाली कि अभी इसकी नीड क्या है। तो सबसे पहले हमने नीड निकालनी थी, यानी कि ये वाला आपका एल्गोरिथम चला। तो पहले क्या हुआ, ये रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम चला, जिसमें से हमने ये जो लास्ट में स्टडी किया था, हमने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो अब नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या चलाएंगे, हम ये पीछे वाला जो है ये चलाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अब ना हमने क्या पढ़ा वहाँ पे, हमने कोई ऐसा रिसोर्स ढूंढना है जो उसकी जो नीड है वो अवेलेबिलिटी से कम है। तो आप देखिए यहाँ पे भी हमारे पास हमने ऐसा कोई प्रोसेस ढूंढना है जिसकी जो नीड है वो अवेलेबिलिटी से कम है, तो हमारे पास 2 मिल गए, P2 और P3, ठीक है। तो अगर आप P2 को एग्जीक्यूट कर देते हो, तो यानी कि 1 to 1 इसको दे दिया हमने सारे के सारे, अवेलेबिलिटी जितनी नीड थी उतनी मतलब अवेलेबिलिटी हमारे पास उतनी है, तो हमने इसको सारे के सारे दे दिए। तो जब P2 आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो यानी कि अब इसमें ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। अगर 1 to 1 दे दिया तो एलोकेशन प्लस हुआ, तो एलोकेशन प्लस किया हुआ 2 0 1 प्लस 1 2 1, तो ये बन गया 3 2 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही वैल्यू बनेगी, ये वाली वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि इतनी इसकी मैक्सिमम नीड थी ना, तो हमने ये कैलकुलेशन इसी के बेस पे तो की है, तो मैक्सिमम ये वाली वैल्यू बन जाएगी। इट मीन्स हमारे पास अब अवेलेबिलिटी कितनी होगी, 3 2 2, मतलब जब इसका काम ख़त्म, इसको हमने सारे सोर्सेज दे दिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये फटाफट अपना काम ख़त्म कर लेगा और ये सारे सोर्सेज दोबारा छोड़ देगा। तो अवेलेबिलिटी आपकी यहाँ भी इतनी बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं P3 की, तो P3 को कितने चाहिए, अभी 1 2 1 चाहिए, ठीक है। तो 1 to 1 जब हमने यहाँ से दे दिए, तो ये 1 2 1 दे दिए यहाँ से एलोकेशन में से, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 0 1 बच गया। और P3 से हमें वापस क्या मिलेगा, मतलब P3 को हमने 1 to 1 दे दिए, तो वापस क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 2 1, हमें मिलेगा 2 2 1। तो इसको जब प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 4 2 2, तो यानी कि हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी अब कितनी होगी, 4 2 2 की। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, बस ये ध्यान में रखना, पहले पास हमारे पास अवेलेबिलिटी इतनी थी, अब हमें इतने चाहिए, तो इतने एक बार माइनस कर दिए हमने, ठीक है। तो जब इतने माइनस कर दिए, यानी कि इसको सारा मिल गया, अब जब सारा मिल गया तो इसने अपना काम ख़त्म कर लिया, तो हमने मैक्सिमम इसकी वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दिया दोबारा, ठीक है। ये वाली मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे हमने सिर्फ ऐड कर दिया, और टोटल अवेलेबिलिटी हमारे पास अब 4 2 2 की होगी, ठीक है। तो अभी हमारा P2 ख़त्म, P3 ख़त्म, तो अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, 4 2 2 की। अब देखिए 4 2 2 का मतलब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा बचता है, P0। तो अभी हम P0 नेक्स्ट ढूंढ ले यहाँ, तो P0 की जो वैल्यू वो लेस देना है, तो हमने इसको कितना देना है, 3 2 2 देना है। तो 3 2 2 माइनस कर दो एक बार, कितना बच गया, 1 0 0, ये हमारे पास अवेलेबिलिटी आई। तो जब ये अपना काम ख़त्म कर लेगा, तो हमें ये सारा कुछ मिल जाएगा वापस, ठीक है।
तो ये सारा कुछ मिल गया, तो हमने क्या कर दिया, 4, 2, 3 को प्लस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 5, 2 और 3, ये हमारे पास अब नेक्स्ट अवेलेबिलिटी बन गई। तो अब ये हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी है। अब 5, 2 के 3 के साथ देखिए आपका ना तो ये P1 कंप्लीट हो रहा है, अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ना तो P1 आपका कंप्लीट हो रहा है और ना ही आपका P4 कंप्लीट होगा, क्यों वो हम देख लेते हैं। अभी आप देखिए P1 में हमें मैक्सिमम नीड क्या है, 8 की, तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 है तो ये काम पूरा नहीं कर पाएगा, और P4 में भी हमारे पास मैक्सिमम नीड कितनी है, 6 की, तो तब भी ये काम नहीं कर पाएगा। तो इट मीन्स अगर हमें इसको काम को कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टार्टिंग में हमें अवेलेबिलिटी मिली थी उसको हमें या तो बढ़ाना पड़ेगा या फिर ये जो एलोकेशन है वो घटानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा मेथड कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, तो वो कैसे बढ़ाओगे। तो अब देखिए ये अवेलेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए के मैक्सिमम ज़रूरत कितनी है, 8, तो 8 माइनस 5 कितना आ गया, 3। ठीक है, तो इट मीन्स हमें स्टार्टिंग में ये वाला जो एक है वो कितने चाहिए, 3 चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे हमारे पास। और बी का देखिए कितना है, बी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मैक्सिमम नीड कितनी है, 4, तो आप 4 माइनस 2 कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 प्लस 2 कर दोगे तो ये 4 आ जाएगा, इसकी मैक्सिमम आपको जरूरत अगर 4 होता स्टार्टिंग में तो आपका यहाँ पे ये डेडलॉक नहीं होता, ये 1 का 1 तो रहना चाहिए क्योंकि ये तो फुलफिल कर ही रहा था, मतलब यहाँ पे 2 घट रहे थे और यहाँ पे 3 घट रहे थे। ठीक है, तो वो हमने कैलकुलेशन यहाँ से कर ली। ठीक है, सो 8 माइनस 5 3 हो गया और आपका जो है 4 माइनस 2 2 हो गया, तो यहाँ पे ये आपकी अगर इतने आपके पास स्टार्टिंग में होते तो ये जो है आपका डेडलॉक नहीं हुआ, ये आप करके देख सकते हो। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है ये करके ले लेना, यहाँ पे 3, 4, 1 ले लेना, तो यहाँ पे ये डेडलॉक नहीं होगा, मतलब अनसेफ स्टेट नहीं आएगी। यहाँ से हमने क्या ढूंढ लिया, ये अनसेफ स्टेट है, तो अनसेफ स्टेट हटाने के लिए हमने क्या किया, हम अवेलेबिलिटी को अगर बढ़ा देंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेडलॉक डिटेक्शन। ठीक है, जो डेडलॉक डिटेक्शन का मतलब क्या, आपके पास डेडलॉक जो वो हो चुका है, तो डेडलॉक जो हो चुका है उसको हमने अब ढूंढ के उसको हटाना है। ठीक है, तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो क्या, हमने यहाँ पे सिस्टम को अलाउ कर दिया कि वो डेडलॉक स्टेट में चला जाए, उसके बाद हमारे पास डिटेक्शन एल्गोरिथम होता है, फिर हम रिकवरी करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसके लिए भी क्या है, आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना सकते हो, अगर आपके पास सिंगल इंस्टेंसेस हैं जैसे हमने अवॉइडेंस में किया था, तो इसमें क्या है कि ये वहाँ पे क्या था कि हम R को यूज़ करते थे, यहाँ पे R को हम रिमूव कर देते हैं, जैसे P1 R1 को मांग रहा है, R1 P2 को मांग रहा है, तो यहाँ पे सीधा लिख दिया, P1 का कनेक्शन जो सीधा P2 के साथ बना दिया। ठीक है, P2 जो है वो R4 को मांग रहा है, R3 को मांग रहा है, यानी कि P2 से P3 तक कनेक्शन सीधा बन गया। ठीक है, P2 सिर्फ P5 को मांग रहा है, तो ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, इस तरह ये सिर्फ इन्होंने डायग्राम को कन्वर्ट किया, कॉरस्पॉन्डिंग वेट फॉर, इसको वेट फॉर ग्राफ बोलते हैं, इसको हमने बोल दिया रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो जब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में से आप रिसोर्सेज निकाल दोगे तो उसको बोल देंगे वेट फॉर ग्राफ। तो इसमें क्या कि अगर वेट फॉर ग्राफ में आपका साइकिल बनता है तो आपकी अनसेफ स्टेट है, अगर साइकिल नहीं बनता तो आपकी सेफ स्टेट है, सिंपल वही। इसमें भी अब एल्गोरिदम है, ये तकरीबन एल्गोरिदम आपके पिछले वाले से मिलता जुलता है, बस हम इसको देख लेंगे। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जिसकी एलोकेशन जो है 0 नहीं है, ठीक है, मतलब जिसको हमने कुछ ना कुछ एलोकेट कर रखा है उसको ढूंढेंगे, और उसका जो फिनिश है वो फॉल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर उसकी एलोकेशन 0 है, मतलब उसका सारा काम हो रखा है, तो उसका फिनिश ट्रू हो गया, मतलब वो काम अपना ख़त्म कर रखा है उसने, तो इसलिए ये सारी कंडीशंस लगा दी कि प्रोसेस i 1 to n वो सारे के फिनिश जो है हमने ट्रू कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रोसेस, मतलब मेनली तो हमारा यही काम है, हमने वो प्रोसेस ढूंढा जिसका भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अगर उसकी रिक्वेस्ट जो अवेलेबिलिटी से कम है तो हम क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी प्लस एलोकेशन, जो हम पहले कर रहे थे वो सेम हो गया, और जब उसको सारी अवेलेबिलिटी उसको दे दी तो हमने उसका फिनिश उसको कर दिया है, मतलब ये फिनिश होने के बाद हो रहा होगा, अभी आपको ख़त्म समझ आ गया होगा कि जब हम एलोकेशन कर रहे थे, जैसे यहाँ पे कर रहे थे, जब यहाँ पे ये एलोकेशन करते थे तो हम क्या बोल रहे थे, ये टोटल वैल्यू आ रही है हमारे पास ये वाली, तो आप इसको किस में ऐड कर रहे थे, एलोकेशन में ऐड कर रहे थे, टोटल एलोकेशन की वैल्यू अपडेट हो रही थी, तो उसी तरह ये हो गया कि एलोकेशन में आप अवेलेबल
प्लस एलोकेशन आप ऐड कर देते तो वो टोटल अवेलेबिलिटी हो गई। उसके बाद आपने काम खत्म कर लिया, गो टू स्टेप टू, द्वारा स्टेप टू पे चले जाओ। अगर ये आपकी टू वाली जो कंडीशन है वो फेल हो जाती है, ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है, ठीक है, तो इट मीन्स आपका या तो ख़त्म है या आपका अनसेफ स्टेट है, मतलब डेडलॉक हो चुका है। तो अगर तो फिनिश इज इक्वल टू फॉल्स है तो इट मीन्स आपका सिस्टम डेडलॉक में है। अगर आपका जो फिनिश जो है वो सारी ट्रू है तो आपका इफ़ फिनिश इज इक्वल टू वन फॉर सम प्रोसेस देन फिनिश सिस्टम इज इन डेडलॉक। वही मतलब अगर आपका कोई काम ख़त्म नहीं हुआ तो इट मीन्स आप डेडलॉक में हो, अदरवाइज आप नहीं हो, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू भी एक बार। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, तो इसमें क्या है, ये एलोकेशन टेबल बना है 010 रिक्वेस्ट। अभी ये रिक्वेस्ट ही इसने डायरेक्ट बना दिया, नीड का चक्कर नहीं है, रिक्वेस्ट ही है सीधा। तो ये 000 हो गया, यहाँ पे ये सारा दे रखा है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी हमारे पास 00 की है, ठीक है। तो अब जैसे 00 की है तो आपका जो P1 है वो भी P0 जो वो भी अपना काम ख़त्म कर लेगा, क्योंकि इसने भी कुछ नहीं मांगा हुआ, और P2 ने को भी कुछ नहीं चाहिए तो ये भी काम ख़त्म कर लेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 010 प्लस आ जाएगा 303, तो अब ये आ जाएगा 313, ठीक है। तो अब आप ऐसे ही देख सकते हो कि रिक्वेस्ट की जो वैल्यू है वो सभी यहीं से कम है, मतलब सेकंड को तो मांग ही रहा, और जो फर्स्ट वाला लास्ट वाला है वो भी 3 से कम वैल्यू है, और ये फर्स्ट ए की भी 3 से वैल्यू कम है। तो ये सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सी स्टेट। अगर आप इसमें मान लो कि अगर एक वैल्यू आप बढ़ा देते हो, मतलब यहाँ पे उसने एक सिर्फ वैल्यू बढ़ा दी, P2 की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे 1 कर दी। अब हमारे पास स्टार्टिंग में अवेलेबल क्या था, 000, तो इट मीन्स आपका P0 जो वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब P0 कंप्लीट हुआ तो हमारे पास कितना बचा, ये वापस आया, वापस क्या आया, 010, ये हमारे पास वैल्यूज वापस आ गई। अब इसके हिसाब से देखो आप किसी को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये यहाँ पे ये सारी वैल्यूज ग्रेटर देन है, ठीक है। इक्वल टू वाली सिर्फ ये वाली वैल्यू मिल रही है और ये वाली, मतलब हमें ये दो रोज देखने की ज़रूरत है। तो इसमें आप सेकंड किसी में भी फुलफ़िल नहीं हो रही, ना इसमें फुलफ़िल हो रही ना इसमें फुलफ़िल हो रही है, और सी भी आपका जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा, तो कहने का मतलब ये आपका हो गया अनसेफ स्टेट। जब किसी की रिक्वेस्ट को भी हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे तो वो हो गया आपकी अनसेफ स्टेट, ठीक है। दोबारा देख लो, चाहे जब यहाँ पे आपका P0 ख़त्म हुआ तो हमारे पास क्या आया, 010, ये हमारे पास आ गया। अब इससे अगर आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो ये P2 आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। पहले क्या था, P2 था 000, तो फटाफट आपका निकल गया था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, 303 आपको फ्री हो गए थे तो आपका सारा काम ख़त्म हो गया था, ये वाला 303 आपका फ्री हो गया था तो आपका सारे काम ख़त्म हो गए थे, ये वाला। पर यहाँ पे क्या, आप ये चले गए नहीं, क्योंकि सी की वन वैल्यू चाहिए और सी की वन वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ये नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया, आपकी अनसेफ स्टेट आ गई। तो यहाँ पे आपका डेडलॉक जो वो हो चुका है, तो अभी आपको डेडलॉक को जो वो रिमूव करना पड़ेगा। तो जो डेडलॉक को रिमूव करने के हमारे पास तरीके होते हैं, वो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप सारे के सारे प्रोसेस जितने भी आपके डेडलॉक में सभी को ख़त्म कर दो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, वन बाय वन एक एक प्रोसेस को ख़त्म करते जाओ और फिर से दोबारा चेक करो डेडलॉक। मतलब एक बार एक प्रोसेस को ख़त्म कर दिया, फिर डेडलॉक सेफ्टी एल्गोरिथम वो चलाओगे आप। तो अगर आपको डेडलॉक डिटेक्शन में फिर से डेडलॉक मिल गया तो फिर आप एक और प्रोसेस को बंद करोगे, अगर फिर से मिल गया तो फिर और बंद, ये तब तक करते रहोगे जब तक आपका डिटेक्शन में आपको आपका डेडलॉक टूट नहीं जाता, ठीक है। तो अब वन बाय वन अगर प्रोसेसेस को आपको तोड़ना है या उनको रोकना है, तो उनके लिए क्या है, आप कैसे चूज़ करते हो किस प्रोसेस को रोकना है, उसकी प्रायोरिटी के बेस पे, या इस बेस पे कि उसने कितनी देर अभी कंप्यूटेशन कर रखी है। अभी मान लीजिए ये इसने 90% अभी अपना काम ख़त्म कर लिया, अगर आपको अभी इसको अबॉर्ट कर दोगे तो इसका 90% जो काम है वो वेस्ट हो जाएगा, या आप कह लो इसमें नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस बेस पे करते हो कि ये अभी और कितना टाइम लेगा, अगर जो ज़्यादा टाइम लेगा उसको आप अवॉर्ड करते हो, जो कम टाइम लेगा उसको अवॉर्ड नहीं करते। उसने किस तरह की रिसोर्सेज यूज़ कर रखी हैं, मतलब कोई किसी ने ज़्यादा नॉन प्रिएम्प्टिव अगर रिसोर्सेज यूज़ कर रखे हैं तो आप उसको जो है अवॉर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस तरह उसको अभी और कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो ये कुछ कंडीशन है जिसके बेस पे आप ये चूज़ करते हो कि आपने किस प्रोसेस को जो है वो अबॉर्ड करना है, ख़त्म करना है उसको, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोसेस इंटरेक्टिव है तो बैच है, कौन सा आप चूज़ करोगे, ये सारी कंडीशंस के बेस पे जो है आप प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे भी दो है, अगर या तो आपने सारे प्रोसेस को तोड़ दिया, या आपने एक प्रोसेस को वन बाय वन एक एक प्रोसेस को ब्रेक करते रहोगे, और जब तक आपका डेडलॉक नहीं
ख़त्म हो जाता है तब तक आप ब्रेक करते रहोगे। दूसरा तरीका क्या कि आप रिसोर्सेज को छीन लो, आप रिसोर्स प्रियम्पशन कर लो, मतलब एक से रिसोर्स छीन लोगे तब भी आपका जो काम है वो आपका डेडलॉग जो वो टूट जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि आप इस तरह का कोई रिसोर्स चूज़ करते हो जिससे आपका कॉस्ट कम हो। कॉस्ट अब इन टर्म्स ऑफ टाइम मनी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेनली तो टाइम आपका आएगा यहाँ पे, और जो नुकसान होगा वो प्रोसेसिंग का होगा। तो उस तरह आप कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करोगे। तो अब जब आप रोल बैक करोगे तो आप क्या करोगे, किसी सेफ स्टेट में जाने की कोशिश करोगे और वहीं से प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम वही आती है कि आपने कौन से रिसोर्स को चूज़ करना है। तो अगर ऐसा रिसोर्स जिसने 95% अपना काम कर रखा हो, तो अगर आप उस रिसोर्स को छीन लोगे तो उससे आपकी कॉस्ट का नुकसान ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें एक और लास्ट आता है स्टारवेशन। कई बार क्या आता है कि हम एक ही रिसोर्स को सेम प्रोसेस से वही रिसोर्स बार बार छीनते जा रहे हैं, तो उस केस को हम बोलते हैं स्टारवेशन, मतलब वो भूखा ही रह गया। मतलब सेम प्रोसेस में ऑलवेज बी पिक्ड एज ए विक्टम, मतलब सेम प्रोसेस को हम चूज़ कर रहे हैं उसी में से हम रिसोर्स को जो निकाल रहे हैं। मतलब पहले केस में क्या था कि प्रोसेस को पूरा का पूरे को ख़त्म कर रहे थे, अबॉर्ट कर रहे थे। इस केस में क्या, प्रोसेस को पूरा नहीं ख़त्म कर रहे, उसमें से सिर्फ रिसोर्सेज को छीन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बार बार आप इसी एक प्रोसेस से ही छीनते रहोगे तो उसमें आपका रोल बैक कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी, और उससे क्या आपकी स्टारवेशन हो सकती है। मतलब हो सकता है उस प्रोसेस का कभी नंबर ही ना आए, जितनी बार डायलॉग हो सकता है उसी का नंबर बार बार लग रहा है, कि उसी से हम रिसोर्सेज जो छीन रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर डेडलॉग। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। इन केस यू फेस एन इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।